बात करते हैं बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक आज पटना में हुई। इसमें पार्टी के चुनाव प्रभारी समेत तमाम वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए और संभावित उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूढ़ी ने बताया कि जल्द ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। बिहार प्रदेश चुनाव समिति की बैठक थी और इस बैठक में तय होना था कि कौन कौन चुनाव लड़ेगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूढ़ी जी हैं, जो छपरा से सांसद भी हैं। सर, आज की बैठक में क्या हुआ? मूल रूप से ये तय हुआ कि जिन 17 सीटों पर हमें चुनाव लड़ना है वो कौन सी 17 सीटें होंगी, जनता दल यूनाइटेड के साथ बात करके जल्द से जल्द उसकी घोषणा हो जाए और एक बार वो तय हो जाएगा कि कौन से 14 सीटों पर चुनाव हम लड़ेंगे, उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी उसका विमर्श जारी है। 1-to-1 डिस्कशन कोर कमेटी के साथ हो रहा है, उसमें प्रदेश अध्यक्ष जी सुशील मोदी जी और प्रेम कुमार जी, ये सभी लोग मिल करके विमर्श कर रहे हैं और एक बार ये पैनल बनेगा तो दिल्ली भेज के अंतिम निर्णय दिल्ली में होगा। होली के पहले हो जाएगा, कब तक हो सकता है? उससे बहुत पहले हो जाएगा। कब तक आपने सुझाव दिया था? हम लोग का कोई सुझाव नहीं है, बातें हो रही हैं। सर, आप छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या चुनावी मुद्दा होगा इसमें? मैं छपरा से वर्तमान सांसद हूं। सांसद भी हैं, चुनाव भी लड़ेंगे और मुद्दा मैं नहीं बनाता हूँ ना, मुद्दा तो है, मुद्दा सांसद जो वर्तमान सांसद होता है वो मुद्दा नहीं बनाता है, मुद्दा को निपटाता है। वहाँ कहा जाता है कि लालू यादव का गढ़ है और वहाँ से केवल राजीव प्रताप रूढ़ी ही हरा सकते हैं। नहीं नहीं, आखिर छपरा की जनता ही तय करती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं वर्तमान में छपरा का सांसद हूँ, यही बहुत बड़ी बात है, और बाकी छपरा की जनता को तय करना है कि कौन सांसद वहाँ। बतौर सांसद आपने जो महत्वपूर्ण काम किया सर, आप आ करके मेरे क्षेत्र में घूम लीजिए, बेहतर होगा।